हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका राठौर MGCI के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। PAT एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशंस कैसी चल रही है ये पूछने की जरूरत तो नहीं बनती, बिकॉज जिस बल्क में आपका रिस्पांस MGCI के ऑनलाइन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को मिल रहा है, रिविजन सेशंस को मिल रहा है, उससे एक बात तो पक्की है कि इस कोविड कंडीशंस में भी हमारा सफलता का ग्राफ जो है वो बहुत ऊपर जाने वाला है। आज मैं आपके सामने क्या डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज PAT 2019 साइंस ग्रुप बायोलॉजी सेशन सॉल्यूशंस। और हम जानते हैं कि जब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो उस क्वेश्चन के साथ चार ऑप्शंस, अब चार ऑप्शन में से आंसर तो एक ही है, लेकिन चारों ऑप्शंस से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उसकी संभावनाएं भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आगे बढ़े, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन, BCG इज द वैक्सीन फॉर। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, BCG वैक्सीन है किस बीमारी के लिए, तो सबसे पहली चीज तो BCG का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। सो BCG का फुल फॉर्म बैसिलस कैलमेंट ग्योरिन, ठीक है, एक चीज पता चल गई। अब ये चारों बीमारियां जो दी है इसके बारे में कॉजल ऑर्गेनिज्म भी लिख दे यहीं पर, लेप्रेसी कराने वाला कौन है, बैक्टीरिया। लेप्रेसी किससे होती है, बैक्टीरिया से, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। पोलियो इज कॉज्ड बाय पोलियोमाइलिटिस वायरस, ये किसका डिसऑर्डर है, पोलियोमाइलिटिस वायरस ये अफेक्ट करता है आपके नर्वस सिस्टम को, ये अफेक्ट करता है आपके नर्वस सिस्टम को, ठीक। मीजल्स बीमारी कैसी है, मीजल्स बैक्टीरियल इंफेक्शन है कि वायरल इंफेक्शन है, मीजल्स इज अ वायरल इंफेक्शन, मीजल्स रूबेला वायरस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, TB ट्यूबरक्यूलोसिस, ये भी एक बैक्टीरियल इंफेक्शन है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई। BCG वैक्सीन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है कौन सी बीमारी के लिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। BCG वैक्सीन इज गिवन फॉर, एक्चुअली कुछ बुक्स में ऐसा दिखा है कि लेप्रेसी के लिए भी BCG वैक्सीन में इफेक्टिवनेस दिखाई है, लेकिन इफेक्टिवनेस दिखाना और पूरी तरीके से उससे प्रोटेक्ट करने में बहुत अंतर है। तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा सबसे स्पेसिफिक, दैट इज ट्यूबरक्यूलोसिस। सो BCG वैक्सीन इज गिवन फॉर ट्यूबरक्यूलोसिस। नेक्स्ट चलें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय एलर्जिक रिएक्शन। देखो TB के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये बैक्टीरिया से होती है, तो एलर्जिक रिएक्शन तो आंसर होगा नहीं यहाँ पर, इन्फ्लुएंजा ये भी नहीं होगा, बिकॉज ये होती है वायरस से, फ्लू वायरस, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ब्रोंकाइटिस, ये आइटिस लगता है ना, दिस इज व्हाट इन्फेक्शन, अपेंडिसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, आइटिस मतलब होता है इन्फेक्शन, ये भी बीमारी नहीं होगी। तो ऑप्शन क्या बचा, एस्थमा इज अ एलर्जिक डिसऑर्डर। एस्थमा में क्या होगा, एक पेशेंट एस्थमेटिक पेशेंट एक टिपिकल वीजिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, क्यों, एल्वियोलाई का सरफेस एरिया कम हो गया, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए, बिकॉज ऑफ एलर्जेंस, चाहे वो पोलन एलर्जी हो, चाहे वो किसी और सब्सटेंस से एलर्जी हो, तो एलर्जिक रिएक्शन किस कारण से, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम। तो इसका आंसर क्या होगा, डन। तो हमारे चारों ऑप्शन में से हमारा आंसर हो गया एस्थमा। नाउ
Which of the following is not a feature of cancerous cell? अब देखिए, Which of the following is not a feature of cancer cells? अब cancer cells का feature कौन सा नहीं है? सुने यहाँ, under the control of oncogenes, बिल्कुल सही है. Oncogenes क्या होते हैं? cancer causing genes. हमने अक्सर सुना है किसी person ने कभी tobacco नहीं chew किया, कभी alcohol intake नहीं किया, फिर भी माउथ कैंसर. एक्चुअली क्या होगा, हमारी हर पर्सन की बॉडी में कैंसरस जीन्स होते हैं और वो जीन्स होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, जिन्हें हम बोलते हैं प्रो ऑन्कोजीन्स. लेकिन हमारे डाइटरी हैबिट से, अभी जो हम खाना खा रहे हैं इसमें एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स बढ़ाया जा रहा है, तो वो अंदर पेनिट्रेट कर गए फूड चेन में. अब क्या हुआ, ये सारे केमिकल्स आपकी इन इनएक्टिव सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं. अब एक्टिवेट होने से ये कैंसरस नेचर में कन्वर्ट हो जाती है. तो ऑन्कोजेंस, कार्सिनोजेंस मतलब एजेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर कॉजिंग, कैंसर कराने के लिए. अब ये चीज क्वेश्चन पे ध्यान दें कि विच इज नॉट अ फीचर ऑफ कैंसर, कैंसर का फीचर नहीं है, ये तो है ना ऑन्कोजीन वाला, तो हमारा ऑप्शन ये तो बिल्कुल नहीं होगा. शो कॉन्टैक्ट इनिबिशन, कॉन्टैक्ट इनिबिशन क्या होता है, ये आपकी नॉर्मल सेल्स है. अब इस सेल को दिखाई दे रहा है कि मेरे आसपास वाली सेल्स बहुत बढ़ रही है, तो ये क्या करेगी, ये अपने आसपास की सेल्स को सिग्नल देगी कि बस हो चुका, अब इतना डिवाइड नहीं करना. तो ये अपने आसपास वाली, अपने कॉन्टैक्ट में रहने वाली सेल्स को इनिबिट करती है. लेकिन कैंसरस सेल में ये प्रॉपर्टी नहीं मिलती. कैंसरस सेल्स डज नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन. मतलब अगर हम बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कैंसर सेल्स, तो हमारा आंसर होगा कॉन्टैक्ट इनिबिशन नहीं दिखाती. तो ये क्या है मेटास्टेसिस? अरे भाई, मेटास्टेसिस मतलब स्प्रेड होना एक जगह से दूसरी जगह पर. कैंसरस सेल्स का दो टाइप के कैंसर होते हैं मेनली, ऐसे तो जिस जगह पर कैंसर है उसके आधार पे भी नाम दिया है, लेकिन बिनाइन और मैलिग्नेंट. तो मैलिग्नेंट मतलब फैलने वाला, और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स या मैलिग्नेंट कैंसर्स क्या बताते हैं, मेटास्टेसिस. और डिवाइड तो करते ही हैं. तो इस क्वेश्चन से हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए रिगार्डिंग कैंसर्स, ठीक है. तो दे डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्रिमिटिव फोटोबायोंट्स. अब यार प्रिमिटिव भी दे दिया, फोटोबायोंट्स दे दिया, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है और लाइट के प्रेजेंस में एक्टिविटी दिखाते हैं, फूड सिंथेसिस करते हैं. तो इनमें सबसे प्रिमिटिव क्या दिख रहा है आपको, सबसे प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स, ये आंसर हो सकता है. देखे दूसरे भी पहले, एडवांस्ड यूकैरियोट्स, यूकैरियोट तो हो गई नहीं भैया, सबसे प्रिमिटिव पूछ रहे हैं. मीजोकैरियोट्स, अब ये क्या होता है, मीजोकैरियोट्स है, दीज आर मिडिल ग्रुप मतलब ये लाइक करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज बीच में है, किसके बीच में, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में, मतलब प्रो एंड यूकैरियोट्स इनके बीच में है, तो ये भी आंसर नहीं होगा. प्रिमिटिव यूकैरियोट्स, यूकैरियोट तो लगाए ना, तो हमारा ऑप्शन वही जो पहला पड़ा था, आंसर क्या होगा, प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स. तो प्रिमिटिव फोटोबायोंट्स के पास में कौन से दिख रहे हैं या उनसे ओरिजिनेटेड हुए हैं, कौन से, प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर. अब एक बात सुन ले, जो पहले का एटमॉस्फेयर था उस समय क्या होता था, वॉल्केनिक इरप्शंस, वॉल्केनिक
लावा, टेम्परेचर बहुत बड़ा हुआ रहता था, उसके कारण से जो एटमॉस्फेयर था आपका O2 बन ही नहीं पाता था, क्योंकि जैसे ही O2 बनता वो हीट के कारण से टूट जाता नेसेंट ऑक्सीजन में। तो हमारा जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था वो था रिड्यूसिंग, याद रखें, जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था इट वॉज रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग मतलब समझते हैं, जिसमें मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन बिल्कुल है। कौन सी गैसेस प्रेजेंट थी, कौन सी गैसेस मिलर एंड न्यूरे एक्सपेरिमेंट में भी बताया गया आर्टिफिशियली बना के, जो गैसेस प्रेजेंट थी दैट इज मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर्स। क्यों वाटर वेपर्स? अरे भाई गर्मी इतनी थी कि पानी गिरता ना तो वो वेपराइज हो जाता। अब ये जो तीन गैसेस है ना, इनका रेशियो भी आता है, किस रेशियो में, किस रेशियो में मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट ने इन्हें किस रेशियो में प्रोड्यूस करा, या एटमॉस्फेयर में किस रेशियो में प्रेजेंट थी। तो इवन के लिए इवन याद रखें, ऑड के लिए ऑड याद रखें, मतलब ये इवन है, ये इवन है, ये ऑड है। सो 2:1:2, ठीक है, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन इवन ना 4 तो 2, क्योंकि अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं 2:1:2 तो था लेकिन किस सीक्वेंस में था। तो इवन के लिए इवन, इवन के लिए इवन, ऑड के लिए ऑड, ये चीज याद रखें। अब एग्जाम में इधर उधर भी पूछ ले तो हमको याद रखना है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो अब इसमें से आंसर देखें, फ्री ऑक्सीजन एब्सेंट, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है? फ्री ऑक्सीजन एब्सेंट, हाँ ये सही है लेकिन ऑप्शन आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। फ्री हाइड्रोजन प्रेजेंट, ये भी सही है। कूलिंग रिजल्टेड इन द इमिशन ऑफ CO2, वाटर वेपर, मीथेन एंड अमोनिया, बिल्कुल सही है, ये सारी गैसेस मिली थी। लास्ट ऑप्शन बचता है लो टेम्परेचर ड्यू टू कूलिंग, अभी बात की वॉल्केनिक इरप्शंस, लाइटनिंग, इन सब के कारण से टेम्परेचर बहुत हाई था। तो हमारा आंसर होना चाहिए कौन सा ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, दैट इज लो टेम्परेचर ड्यू टू कूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। हाँ, सेंट्रल डोगमा गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक। सेंट्रल डोगमा है क्या? डीएनए से डीएनए बनना, ये क्या है? रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनना, ये क्या है? ट्रांसलेशन। और प्रोटीन एंजाइम्स बनाएंगे और एंजाइम्स आपके कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेंगे। अब ये तो हो गया नॉर्मल सेंट्रल डोगमा जो सभी फॉलो करते हैं, लेकिन जिन ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल आरएनए बनता है और उन्हें अगर होस्ट बॉडी में ग्रो करना है तो डीएनए बनाना पड़ेगा। अब वो डीएनए बनाने के लिए एक एंजाइम लेके चलते हैं अपने साथ में, जिसको बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, मतलब आरएनए से डीएनए बनना, उल्टा बनना है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये किसमें होगा? जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा वही आरएनए से डीएनए बनाएंगे, ठीक है। चलो अब ऑप्शंस देख ले हम लोग, फंजाई बिल्कुल नहीं, बैक्टीरिया नहीं, प्रोटोजोअन्स नहीं, HIV बिल्कुल सही बात। मतलब अगर हम बात करें ऑप्शंस में से एक सही आंसर चुनने की तो ऑप्शन क्या होगा? HIV, क्योंकि HIV के पास क्या है? HIV का स्ट्रक्चर मालूम है, HIV वायरस का स्ट्रक्चर। HIV में होते हैं 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल्स, उसके साथ वो अपने एंजाइम लेके चलता है, कौन से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इंटीग्रेस, क्योंकि उसे होस्ट के जीनोम में इंटीग्रेशन करवाना है,
प्रोटीएज, क्योंकि उसे प्रोटीन कोट को तोड़ना है। तो एचआईवी वायरस का स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे से करते हैं। विच जर्म लेयर्स फॉर्म द मसल्स? अब सुने, मसल की बात करें या फिर कोई भी बॉडी पार्ट की बात करें, तो हमारी जो एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स है उससे बनती है सारे बॉडी पार्ट्स। तो तीन जर्म लेयर्स हम पढ़ते आ रहे हैं, एक्टो, एंडो, मीजो। एक ब्रॉड ब्रॉड सी पिक्चर याद रखे दिमाग में कि जनरली एंडोडर्म से बनते हैं इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स। एक्टोडर्म से, जनरल बोल रही हूं, बायोलॉजी इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, वो बाद में बात करेंगे। एक्टोडर्म मतलब पूरा आपका इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, स्किन वाला और नर्वस सिस्टम। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका स्किन मेनली और नर्वस सिस्टम। पेरिडर्म जैसी कोई जर्म लेयर नहीं है, क्योंकि ये तो मिलती है इनवर्टिब्रेट्स, ये मिलती है इनवर्टिब्रेट्स में। अभी हम हमारी बात करें, अब मीजोडर्म से क्या बनता है, इट प्रोड्यूसेस मसल्स, कनेक्टिव टिश्यूज, मतलब मसल। और यही पूछा है मसल कौन सी जर्म लेयर से बनती है, मीजोडर्म से। देखो कुछ मसल्स ऐसी है बेटा, जैसे हमारी आइरिस की मसल्स, इनका ओरिजिन एक्टोडर्मल है। सलाइवरी ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स की मायो एपिथेलियल मसल्स, ये कुछ एक्सेप्शंस है जो एक्टोडर्म से बनती है। लेकिन इन जनरल मसल्स किससे बनती है अगर पूछा जाए, तो ऑप्शन क्या लगाएंगे हम, मीजोडर्म। ठीक है, नेक्स्ट। ब्लबर ऑफ वेल कंटेन द कनेक्टिव टिश्यू। अब बात करें ब्लबर ऑफ वेल की, तो बेटा ब्लबर ऑफ वेल हो या कैमल का हम्प हो, इनमें आपको मिलता है फैट कनेक्टिव टिश्यू। फैटी मतलब एडिपोज, क्यों, अरे इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, हीट को एक्सचेंज नहीं होने देती, बॉडी को गर्म मेंटेन रखती है। और एडिपोज में से भी कौन सी, वाइट, वाइट फैट। दो टाइप के फैट्स होते हैं ना, व्हाइट फैट एंड ब्राउन फैट। तो व्हाइट फैट यहाँ पर आएगा आपका, और व्हाइट और ब्राउन जैसा ऑप्शन नहीं है, इन्होंने तो जनरल पूछ लिया, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दिस इज एडिपोज। ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगी, इसमें होती है फैट स्टोरिंग, फैट स्टोरिंग एडिपोसाइट। ठीक है, पिगमेंटेड कहाँ मिलती है, पिगमेंटेड मिलती है आपको आयरिस में, आई में आयरिस, या फिर बात करें कोरोइड, या फिर बात करें रेटिना की पिगमेंटेड सेल्स, पिगमेंट्स है ना यहाँ पर। स्किन में भी मिलती है पिगमेंटेड लेयर्स। म्यूकस, म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू, अम्बिलिकल कॉर्ड, वॉटसन्स जेली का नाम सुना होगा, वॉटसन्स जेली, ये मिलती है अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, रेटिक्यूलर कनेक्टिव टिश्यू, रेटिक्यूलर मतलब है ये नेटवर्क लाइक। सपोर्टिव फंक्शन भी है, डिफेंस फंक्शन भी है, ये मिलेगी आपको लिवर में, स्प्लीन में, लिम्फ नोड्स में, रेटिक्यूलर कनेक्टिव टिश्यूज। तो हमारा आंसर क्या होगा, क्योंकि हमें तो ब्लबर ऑफ वेल पूछा है भैया, तो ब्लबर ऑफ वेल में मिलेगा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। सम एनवेलप्ड वायरसेस हैव ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स, व्हाट इज द पर्पस। जो वायरस होते हैं ना, वायरस की सरफेस पे होते हैं कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स। अगर बात करें जैसे एचआईवी, तो एचआईवी में क्या मिलता है, एचआईवी में मिलता है GP120। क्यों होता है ये, क्योंकि जब वो जाएगा किसी और की बॉडी में, तो उसे रिकॉग्निशन मिलेगा, पहचान मिलेगी, उसके पहचानने के बाद ही वो एंटर कर पाता है। तो बाइंडिंग विद द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट इसलिए होते हैं फॉर प्रोटेक्शन, टू प्रोड्यूस एंटी एंजाइम्स, टू अटैक द होस्ट सेल्स। अब इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट, बाइंडिंग विद द सेल मेम्ब्रेन। अरे भाई अपने बेनिफिट के लिए है उसके पास ये ग्लाइकोप्रोटीन्स, नुकसान के लिए नहीं है कि ये जाएगा
और फिर उसे एंटी एंजाइम्स का सामना करना पड़ेगा। इसके इन ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स के रिसेप्टर्स मौजूद है। होता ना, वो कहानी सुनी है, कहानी क्या, रियल इंसिडेंट है, दैट इज घर का भेदी लंका डाहे। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर एचआईवी का केस ले, एचआईवी के रिसेप्टर्स हमारी मैक्रोफेजेस में नहीं होते तब आपको कभी एचआईवी हो ही नहीं सकता। और वो रिसेप्टर्स के कारण ही वो उसे जल्दी से पहचान लेते हैं, किसको, एचआईवी के ग्लाइकोप्रोटीन्स को। तो याद रखें, जो वायरसेस में ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स है उसको पहचानने का काम करते हैं होस्ट सेल की सेल्स, और इसीलिए बाइंडिंग विद द सेल मेम्ब्रेन में वो हेल्प करता है। नेक्स्ट इज प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर्स इन। देखो प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें तो अभी जो हमने सेंट्रल डोगमा पढ़ा था, सेंट्रल डोगमा में जो डीएनए सिंथेसिस है, ये सब बिल्कुल बहुत ही सटीक पॉइंट बात कर रहे हैं हम लोग। डीएनए सिंथेसिस कहां पर होता है? न्यूक्लियस में। आरएनए सिंथेसिस, अब जहां पर टेम्पलेट डीएनए होगा वहीं पर होगा, न्यूक्लियस में। अब प्रोटीन सिंथेसिस, भैया प्रोटीन के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन के लिए चाहिए अमीनो एसिड, और वो है साइटोप्लाज्म में। प्रोटीन सिंथेसिस होगा साइटोप्लाज्म में। क्यों? क्योंकि इसे लगते हैं अमीनो एसिड, और ये अमीनो एसिड किस सीक्वेंस में अटैच होंगे? आरएनए जैसे ही न्यूक्लियस से बनकर साइटोप्लाज्म में आ चुका है, अब चालू होगा ट्रांसलेशन। तो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस कहां होगा? साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स है, अमीनो एसिड्स है, तो साइटोप्लाज्म इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। बाकी गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, इनके अपने अपने फंक्शंस याद रखें। कौन से फंक्शंस? स्पेसिफिक। गोल्गी बॉडीज का मेजर काम है पैकेजिंग, पैकेजिंग ऑफ मटीरियल। जो ईआर से मटीरियल बनते हैं ना, उसे मॉडिफाई करके, पैकेज करके ट्रांसपोर्ट करना। माइटोकॉन्ड्रिया का आपको पता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, एटीपी सिंथेसिस, क्रेब्स साइकिल वगैरह वगैरह सब कुछ जानते हैं। न्यूक्लियस क्या है? कंट्रोलिंग सेंटर, सेल का कंट्रोलिंग सेंटर। नेम द वेक्टर इन ब्रैक बोन डिसीज। अरे भैया हड्डियां तोड़ दी इस फीवर ने, इसका नाम है डेंगू। याद रखे, ब्रेक बोन फीवर किसे बोलते हैं? डेंगू। डेंगू बीमारी में क्या होता है, जॉइंट्स बड़े पेन करते हैं। अब डेंगू होता किससे है? कॉजल ऑर्गेनिज्म है डेंगू वायरस, लेकिन फैलता किससे? एडीज मॉस्किटो, राइट। नेक्स्ट, डैश इज इन्वॉल्व इन एलर्जिक एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, इट ऑल्सो डायलेट द कैपिलरी। देखो यार, ये सिक्रीशंस के तो नाम याद करना पड़ेंगे, इनके फंक्शंस। सीरोटोनिन क्या करता है? इट इज अ वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। हिस्टामिन वैसो डायलेटर, ब्लड वेसल को डायलेट करता है। सीरम क्या है? सीरम क्या है? प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स। मतलब अगर कोई पूछे कि क्या सीरम क्लॉट करता है, बिल्कुल नहीं, सीरम इज प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स। लिम्फ क्या है? पता है आपको, टिश्यू फ्लूइड, इंटरस्टीशियल स्पेस में मिलने वाला। तो एलर्जिक रिएक्शन में और जो वैसोडाइलेशन करवाता है, मास्ट सेल से निकलता है या बेसोफिल से निकलता है, आंसर क्या होगा? और आंसर विल बी हिस्टामिन। याद रखें, द फर्स्ट प्रोसीमियन प्राइमेट्स अरोज फ्रॉम, सबसे पहले प्रोसीमियंस, इवोल्यूशनरी आपको पूरा कैटेगरीज याद रखनी है। फ्रुगीवोर्स मंकीज, अरे भाई फ्रुगीवोर्स मतलब होता है फ्रूट ईटिंग। एप्स, एप्स में मालूम है, एप में कौन आता है? एप, एप एप में कौन आता है? जी ओ जी सी, ये इनका इवोल्यूशनरी सीक्वेंस है। गोरिल्ला, ओरैंगुटान, गिब्बन, चिंपैंज़, ठीक है, सो जी ओ जी सी। ट्री श्रियूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रियू मींस
छछुंदर, शिव लाइक इंसेक्टिवोर जो इंसेक्ट पे फीड करते हैं, आर्बोरियल मैमल्स नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमारे जो प्राइमेज है वो भी प्रोसीमियंस किससे अराइज होते हैं, दैट इज शिव लाइक इंसेक्टिवोर्स, याद रखना इसको। प्लैटिरिनी आर ऑल्सो नोन एज, अब ये टर्म किसके लिए दिया जाता है, प्लैटिरिनी इज द टर्म गिवन फॉर न्यू वर्ल्ड मंकीज। अब न्यू वर्ल्ड मंकीज और ओल्ड वर्ल्ड मंकीज सुना तो है, एक बार देख ले कि इनमें डिफरेंसेस क्या है, बिल्कुल देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, बहुत स्पेसिफिक चीज बताने जा रही हूं मैं, दो पॉइंट बताऊंगी बस। न्यू वर्ल्ड मंकीज की जो ये नोज नॉस्ट्रिल है ना, ये वाइड होती है, चौड़ी, और ये सेप्टम भी वाइड होती है, और ये नॉस्ट्रिल कैसा ऊपर की तरफ उठा हुआ, ठीक है। सो इनकी बात करें तो नेजल सेप्टम वाइड है, चौड़ी है, वाइडर है, और नॉस्ट्रिल आउटवर्ड मतलब ऊपर की तरफ डायरेक्टेड, आउटवर्ड डायरेक्टेड, ठीक है, नॉस्ट्रिल्स ऊपर की तरफ डायरेक्टेड। ओल्ड वर्ल्ड मंकी में नेजल सेप्टम जो है ना, ये नैरो है, नेजल सेप्टम, पहचान बता रही हूं मैं आपको, ये नेजल सेप्टम इज नैरो और नॉस्ट्रिल डाउनवर्ड्स, नीचे की नॉस्ट्रिल डाउनवर्ड्स, ठीक। अब प्रीहेंसाइल टेल होती है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है प्रीहेंसाइल, ये आना चाहिए आपको, प्रीहेंसाइल टेल। अब ये क्या फंडा आ गया, प्रीहेंसाइल टेल मतलब ये आपका ट्री है, इनकी पूंछ क्या करती है, ग्रेस्पिंग, पकड़ लेती है सपोर्ट से, जंपिंग में भी हेल्प करती है। ओल्ड वर्ल्ड मंकीज की प्रीहेंसाइल टेल नहीं होती, इनके पास प्रीहेंसाइल टेल एब्सेंट है, इनकी टेल बिना सपोर्ट ग्रेस्प नहीं कर सकती है, स्ट्रेट रहती है। अब इन दोनों में से हम किसके क्लोजर है, अरे मैडम हम तो एप से डिराइव हुए हैं, बिल्कुल सही बात है, एप हमारे एंसेस्टर्स है, लेकिन फिर भी सिमिलैरिटीज हमारी किनसे मिलती है, नॉस्ट्रिल देख लो हमारा, नॉस्ट्रिल नैरो सेप्टम और डाउनवर्ड डायरेक्टेड, तो हम किससे आते हैं, ह्यूमंस, ह्यूमंस क्लोजर टू ओल्ड वर्ल्ड मंकी, आई बात समझ में। हमारे रीसेंट एंसेस्टर कौन है, वो तो एप्स है, लेकिन हम फिर भी सिमिलैरिटी किससे दिखाते हैं, ओल्ड वर्ल्ड मंकी से, न्यू वर्ल्ड से नहीं, ठीक है। तो इससे ये चीज हमारी कंसेप्ट बहुत क्लियर हो गया, न्यू वर्ल्ड मंकीज और इनको किस नाम से जानते हैं, प्लैटिरिनी। द मोस्ट प्रोबेबल रीजन फॉर द एब्सेंस ऑफ रेगुलर मेंस्ट्रुएशन इन द फर्टाइल फीमेल, अब अगर कोई फर्टाइल फीमेल है और उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गई है तो क्या कारण है, भैया मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होती है, एक साइक्लिक इवेंट है जिसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं आपके पिट्यूटरी में, यूट्रस में, ओवरीज में। अब अगर ब्लीडिंग फेज नहीं हो रहा, मतलब उस एंडोमेट्रियम की कहीं ना कहीं जरूरत है आपकी बॉडी में, तो किस लिए, अगर ओवम फर्टिलाइज हो गया तो वो इम्प्लांटेशन होगा, अब इम्प्लांटेशन के लिए उसे चाहिए एंडोमेट्रियम, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुकना सबसे कॉमन रीजन उसका क्या बनता है, फर्टिलाइज्ड ओवम, और फिर बाद में एबनॉर्मलिटीज अलग चीज है। तो आपके चार में से एक सबसे सटीक आंसर होगा फर्टिलाइज्ड ओवम। द मोस्ट नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, अब भाई बर्थ कंट्रोल के नेचुरल मेथड में हम मेनली तीन मेथड पढ़ते हैं, एक होता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, टेंथ टू सेवेंटींथ डे जो सबसे फर्टाइल पीरियड है जिसमें ओव्यूलेशन इज मोस्ट एक्सपेक्टेड, उस समय सेक्सुअल इंटरकोर्स कपल अवॉइड करता है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। एक होता है विड्रॉवल जिसमें
इजैक्युलेशन के पहले विथड्रॉल कोइटस हो रहा है नॉर्मली, लेकिन इजैक्युलेशन के पहले पेनिस इज रिमूव्ड फ्रॉम द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट विथड्रॉल, तो मतलब इजैक्युलेशन अंदर नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस मिनिमम है। मिनिमम बोल रही हूं मैं, बिल्कुल एब्सेंट नहीं, बिकॉज एक ग्लैंड है बल्बो यूरेथ्रल जो प्री इजैक्युलेशन फ्लूइड सिक्रीट करता है, और इस कंडीशन में क्या होता है कि कहीं ना कहीं कभी कभी स्पर्म भी इसमें देखा गया है, तो इसलिए ये पूरा श्योर मेथड नहीं है। नेक्स्ट इज लैक्टेशनल एमनोरिया। जब इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग कराती है फीमेल, उस समय क्या होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हार्मोनल फीडबैक के कारण से रुक जाती है फीमेल्स में, सभी में ऐसा नहीं होता लेकिन मैक्सिमम केसेस में देखा गया, तो ये भी एक मेथड हो सकता है हमारा नेचुरल बर्थ कंट्रोल के लिए। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या है आपका, इन चारों ऑप्शन में से हार्मोनल मेथड कुछ नहीं, रिदम मेथड कुछ नहीं, बैरियर मेथड नेचुरल मेथड पूछा है, बैरियर मेथड इज नॉट अ नेचुरल मेथड, है ना, जोश जोश में लगा मत देना बैरियर मेथड। आपको आंसर पूछ रहा है कि नेचुरल मेथड कौन सा है, तो आंसर होगा एब्स्टिनेंस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। नेम द टफ कोलेजनस फाइबर्स। अब याद रखें ब्रेन की जो लेयर्स है क्रेनियम में, क्रेनियम में जो लेयर्स है उन्हें बोलते हैं हम मेनिंजेस। अब ये मेनिंजेस क्या होती है, डीएपी फर्टिलाइजर याद रखते हो ना, तो ब्रेन में भी याद रखो डीएपी बाहर से अंदर, ड्यूरा मैटर, एरेकिनॉइड, पाया मैटर। ड्यूरा मैटर किससे बनती है, डेंस इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट देती है, और ये दोनों बनती है फाइब्रस, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आउटर मोस्ट लेयर, अभी मैंने बताया सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होगी, ड्यूरा मैटर, सबसे अंदर वाली पाया मैटर, और बीच में एरेकिनॉइड। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स हैव द पावर ऑफ रीजनरेशन, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमारी बॉडी में एक ऑर्गन जिसमें रीजनरेशन पावर होता है, दैट इज द बिजीएस्ट ऑर्गन भी है लिवर, हेपेटिक वर्ड इज यूज्ड फॉर लिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ सैक्रेड ग्रुप्स। देखो बेटा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए दो चीजें होगी, इन सीटू एक्स सीटू, इन सीटू मतलब हैबिटेट के अंदर नेचुरल तरीके से नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और एक्स सीटू मतलब जूलॉजिकल पार्क्स सैक्रेड ग्रूव्स, ये सब होते हैं वाइल्ड लाइफ, या फिर बोल सकते हो आप सैक्रेड ग्रूव्स का काम क्या है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, आपकी मान्यता है उससे जुड़ी हुई, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, सैक्रेट ग्रूव्स का इंपॉर्टेंट एडवांटेज, इट होल्ड्स वाटर इन सॉइल, बिल्कुल नहीं, इट इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी, नहीं, इट कंजर्व्स रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीशीज, इट गिव्स एनवायरमेंटल अवेयरनेस, अभी क्या बताया था कंजर्वेशन से, सो आंसर होगा इट कंजर्व्स रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीशीज। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लेयर्स दैट कवर द किडनी। याद रखे बेटा किडनी को जो लेयर कवर करती है, किडनी क्या है, इट इज अ बीन शेप्ड ऑर्गन, इसको कवर करने वाली जो लेयर्स है इसमें होंगी तीन लेयर, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये मान ले सबसे आउटर मोस्ट है, दिस इज इनर मोस्ट, इनके नाम क्या होते हैं ये याद ही रखना है आपको, ठीक है। सबसे बाहर ये पूछ रहे हैं आपको फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर की तरफ, तो बाहर है फेसिया, बीच में है एडिपोस, देन है कैप्सूल, फैक याद रखे फैक, तो बाहर वाली लेयर है फैसिया किडनी की, बीच में है एडिपोस फैटी लेयर, और अंदर की साइड है कैप्सूल, जनरली हम रीनल कैप्सूल की बात करते हैं, तो ये लेयर्स याद रखे। Which of the following features is correct about the platelet? Platelet से related कौन सा feature correct है? देखो platelet के बारे में important चीज बता दूं कि platelet आपकी cell नहीं है, cell का fragment है, तो वो एक mega karyocyte, बड़ी cell का fragment है, तो cell के fragment में nucleus नहीं होता,
तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जो न्यूक्लियस के बिना है? बिल्कुल सही, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा नहीं, लोब न्यूक्लियस नहीं होगा, बाय न्यूक्लिएटेड नहीं होगा, प्लेटलेट्स इज अ सेल फ्रेगमेंट, मेगा सेल कैरियोसाइट से बनी हुई, तो नॉन न्यूक्लिएटेड। व्हाट आर द लोकल हॉर्मोन्स? बेटा एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो एक जनरल हॉर्मोन्स होते हैं जो निकलते किसी और पार्ट से, काम कहीं पर और करते हैं। लोकल हॉर्मोन्स जो सेल से निकलते हैं और उसी जगह पर काम करते हैं, लोकल हॉर्मोन, जैसे आपके इंटेस्टाइनल हॉर्मोन्स की बात करें। सो दे आर सिक्रीटेड बाय द सेल्स, जो सेल से निकलते हैं और उसी जगह पर काम करते हैं। व्हाट आर द मॉलिक्यूलर सीजर? कैची चलानी है, कैची मॉलिक्यूलर सीजर कौन सी है? डीएनए को स्पेसिफिक फ्रेगमेंट में काटने वाला एंजाइम, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। याद रखना है, वेक्टर डीएनए यहाँ कोई काम कर रही है, वो तो एक जगह से दूसरी जगह पर जीन्स को ट्रांसफर करेगा। डीएनए प्रोब्स रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, पैसेंजर डीएनए बिल्कुल नहीं, आंसर होगा रेस्ट्रिक्शन, जो दो कैटेगरी का है, एंडो न्यूक्लियस एंड एक्सो न्यूक्लियस, स्टिकी एंड्स, ब्लंट एंड्स। याद सम पर्सन्स में नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड टू ड्रग्स, अब वो ड्रग्स के लिए रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके जो रिसेप्टर्स है उनको आदत हो गई हैवी डोज लेने की, तो वो टॉलरेट कर जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखें, दिस कंडीशन इज नोन एज टॉलरेंस।